माननीय मुख्यमंत्री और सभी सम्मानित गण और यहाँ उपस्थित जन समुदाय, आज दिल्ली की जनता के समक्ष एक नई योजना का शुभारंभ हो रहा है। योजना का प्रारूप मैं आप लोगों के सामने कुछ उसके साइलेंट फीचर बता रहा हूँ। योजना का जो नाम दिया गया है वो जय भीम मुख्यमंत्री प्रतिभा विकास योजना है और ये दिल्ली सरकार के अनुसूचित जाति जनजाति अल्पसंख्यक पिछड़े और हैंडीकैप विभाग की तरफ से जारी की गई है। इसकी जो विशेषता है वो ये है, पहले देश में बहुत सारी जगह केंद्रीय स्तर पर योजना चलती है प्री एग्जामिनेशन ट्रेनिंग सेंटर जो कि एससी एसटी और ओबीसी के बच्चों के लिए चल रहा है, लेकिन उसमें होता क्या है कि एक टिपिकल टाइप का सेंटर खोल दिया जाता है, लेकिन इस योजना की जो विशेषता है उस पहली विशेषता ये है कि जो नामी गिरामी कोचिंग इंस्टीट्यूट हैं उनमें बच्चों को क्वालिटी एजुकेशन क्वालिटी कोचिंग दी जाएगी। यह दिल्ली के सभी एससी बच्चों के लिए उपलब्ध है और कोचिंग जो है वो ग्रुप ए ग्रुप बी जो एग्जाम होते हैं पोस्ट कैंडिडेट के लिए उनके लिए जाएगी, जो यूपीएससी करती है डीएसएससी करती है एसएससी करती है या रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड के एग्जाम होते हैं उनके लिए भी करते हैं। इसके अलावा बैंक और इंश्योरेंस के लिए भी ये कोचिंग दी जाएगी। इसके साथ ही जो एंट्रेंस एग्जाम होते हैं मेडिकल इंजीनियरिंग या दूसरी इसी स्तर के उनके लिए भी ये कोचिंग दी जाएगी और ये कोचिंग उन्हीं संस्थानों में होगी जिसमें कि नियमित रूप से बाकी लोग भी ये कोचिंग लेते हैं। इसमें जो आर्थिक इसका पहलू है वो ये है कि इस स्कीम में 75% जो एडमिसिबल कोचिंग फीस है वो सरकार देगी और 25% जो है वो स्टूडेंट को देना होगा, लेकिन एक इसमें अच्छा ये है कि जो जिनके पास 2 लाख रुपए तक की जो बिल्कुल ही गरीब हैं जिनकी सालाना आय 2 लाख से कम है उनके बच्चों को दिल्ली सरकार पूरी तरह से ये कोचिंग मुफ्त देगी। कोचिंग के लिए मैक्सिमम सीलिंग 40,000 की रखी गई है और जो मेरिटोरियस बच्चे हैं उनका चयन एक प्रक्रिया के द्वारा होगा, उसमें कोचिंग इंस्टीट्यूट का भी सहारा लिया जाएगा और एक सिलेक्शन की उसकी लिस्ट बनेगी ताकि मेरिट को दिया जाए। शुरू में इसको 100 मेरिटोरियस बच्चों से शुरू करने का है और बाद में इसे 5,000 तक ले जाने की व्यवस्था की जाएगी। We'll be right back.